शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला सेशन, और इस सेशन में हमारे साथ होंगे उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे पलायन के मुद्दे को लेकर, और वो जो तमाम सवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उठाए हैं उन सवालों का जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, बस हम तुरंत अपने अगले सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि हम अगले सेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्द बिल्कुल ही पलायन के मुद्दे पर चर्चा बातचीत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से। तो अनुरोध है आप सभी से कृपया आप अपनी सीट्स पे बैठ जाएं। स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा प्रवाह में, और प्रवाह की ये धारा आगे बढ़ती जा रही है। अगला जो पड़ाव है वो है पलायन का मुद्दा, लेकिन जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं उसका जवाब भी देना होगा। इसीलिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी का। आए उनको स्वागत करेंगे तालियों के साथ, और उनसे सवाल करने के लिए मेरी सहयोगी प्राची होंगी मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है अजय भट्ट जी आपका एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में, और चूंकि मुद्दा बेहद अहम है पलायन का मुद्दा उत्तराखंड के लिहाज से बेहद खास हो जाता है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है अजय भट्ट जी आपसे कि आपकी सरकार पलायन को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है जिससे उत्तराखंड यानी पहाड़ जो है वो खाली ना हो, उसकी जवानी नीचे ना आए। हमारी सरकार ने पहली बार एक पलायन आयोग का गठन किया ताकि पलायन रुक सके। अभी मेरे बड़े भाई माननीय हरीश रावत जी पलायन समेत तमाम बातों को कह रहे थे, मुझे भी सुन के जाते तो अच्छा होता, लेकिन वह निकल गए। देखिए, इस देश में अधिकांश यानी 40-45 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, और उस समय हम अविभाजित उत्तर प्रदेश के अंग थे। जो आज समस्याएं खड़ी हुई हैं, चाहे पलायन हो चाहे बेरोजगारी हो, जैसे कनेक्टिविटी से हम दूर रहे हों, विकास से हम दूर रहे हों, इसकी सिर्फ और सिर्फ अगर जिम्मेदारी किसी पर जाती है तो कांग्रेस पर जाती है। और अधिकांश मेरे बड़े भाई सत्ता में रहे कभी सोचा ही नहीं, वन संरक्षण अधिनियम लग गया पहाड़ों में और उसके कारण विकास एक इंच खिसकना मुश्किल हो गया,
और उस समय शोभन सिंह जीना जी जिन्होंने ये राज्य की परिकल्पना केंद्र को समझाई, प्रसिद्ध वकील थे और उत्तराखंड के वो एक ऐसे नेता थे कि जो अपने घर से खर्चा मंगाते थे, कम लोगों को पता है, जब वो मंत्री बने, पर्वतीय विकास मंत्री। तो उन्होंने कहा भाई आप सांसद हो, रावत जी समेत चार पांच सांसद उस समय जितने भी थे यहां उत्तराखंड की जो सीमा है इसके अंदर, कहा कि आप लोग इसको उठाओ और इसका विरोध करो। मैं आज भी प्रोसीडिंग देखता हूं, अब तो मैं सांसद हो गया हूं नैनीताल से, कहीं पर भी हमारे उत्तराखंड के किसी सांसद का उस प्रोसीडिंग में एक भी शब्द नहीं कहा विरोध का कि पहाड़ का विकास रुक जाएगा, आप वन संरक्षण अधिनियम क्यों लगा रहे हो। इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, 40,000 लोग आज से 30 साल पहले थे जब माननीय भाई साहब वहां पर सांसद थे। तो इसलिए बात करना बहुत अच्छा रहता है, आज चाहे बेरोजगारी हो सुनाई अच्छा देता है, ठेठोली अच्छी लगती है, लेकिन गंभीरता से कभी कांग्रेस ने पहाड़ को देखा ही नहीं, नहीं तो हमें उत्तराखंड राज्य मांगने की आवश्यकता कहां थी, क्योंकि आप तो पूरे देश में छाए थे, उत्तराखंड देश का हिस्सा था और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ था, यहां पनिशमेंट के लिए लोग आते थे। अगर किसी को डराना हो लखनऊ में, कहा जाता था चमोली भेज देंगे, पिथौरागढ़ भेज देंगे, उत्तरकाशी भेज देंगे, और पहाड़ में इस तरह भेजते थे। और जो लोग आते थे ब्रीफकेस लेके और वो ट्रक गाड़ी मोटरसाइकिल सारी चीजें लेके बंगले वंगले बना के जाते थे, ये स्थितियां पैदा की हैं। इसलिए पलायन के लिए जो गंभीर समस्या पैदा है पलायन की, उसके लिए गंभीर प्रयास जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। नहीं, कुछ ऐसे दावे तो अभी बैठे थे हरीश रावत साहब, वो भी यही दावे कर रहे थे कि हमने जो प्रयास किए वो इस सरकार में नहीं हो रहे हैं, हमने जो पहाड़ों की छोटी छोटी चीजें हैं जिनको पहचान मिलनी चाहिए, जो संस्कृति है, हमने वो पहचान दिलवाई। बेड़ू पाको बारमासा हमारा एक ऐसा गाना है जो पूरे उत्तराखंड नहीं देश भर में आर्मी में उसका बैंड बजता है। हमारी हर संस्कृति को पहचान है, कौन नहीं जानता है माधो सिंह भंडारी, कौन नहीं जानता है टिल्लू लौटेली, कौन नहीं जानता है भांग की चटनी, ये पहले से थी, आपने क्या पहचान दी उसको। मडुए की रोटी हम पहले से खा खा के यहां बड़े होके आए हैं, ये कहने की बातें हैं, पूरी पहचान थी हमारी। वो संस्थाएं हैं जिन्होंने मडुए के बिस्कुट बना दिए और जिसको जापान तक आज सफलता मिली है, आज बाजार में नहीं मिलता है, ये किसी पॉलिटिकल आदमी ने नहीं बनाया है, ये बनाए हैं हमारी उन संस्थाओं को, मैं सैल्यूट करता हूं। हमारी एक बहन पिथौरागढ़ में वो नमकीन बना रही है, किसी ने उसको बैक नहीं किया है, आज वो विश्व प्रसिद्ध होने को जा रही है। ऐसे ही हमारे कई भाई हैं जो गहत और ये चीजें यहां से ले जाकर लोगों को पहले और मैं गेल की बात बता दूं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अभी जब यहां पर आपको पता होगा आपदा आई थी, वहां की सारी बहनों को इकट्ठा करके केदार घाटी की और स्वयं उनको नोएडा में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स दे दिया, पहाड़ की चीजें बना बना के ले जा रही हूं यहां से वहां, एक एक चीज ले जा रही हैं गहत की बनी हुई। सवाल ये है ना अजय भट्ट जी, जब इतनी सारी चीजें हैं और उत्तराखंड में अब संस्कृति जो है वो सब देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं पूरे देश में, तो फिर पलायन क्यों नहीं रुक रहा। देखिए पलायन के दो तीन कारण है, एक पलायन तो है कि पुराने जमाने में बेरोजगारी बहुत थी तो रोजगार पाने के लिए नीचे आए। देखिए मैं इस मंच से उनका, अब ये महापुरुष हैं हमारे उत्तराखंड के, डिग्निटी हैं, बिपिन चंद रावत जी हैं, डोभाल साहब हैं, अगर इनके माता पिता बाहर नहीं आते काम करने के लिए, क्या ये इतनी प्रोग्रेस करते, पहाड़ों में उलझ के रह जाते जहां कनेक्टिविटी भी नहीं थी। एक तो ऐसे धीरे धीरे आना चालू हुआ, फिर घरों में जाना कम हुआ। अब देखिए, अब डोभाल साहब पिछले दिनों पूजा करने घर गए, लोगों को एक प्रेरणा मिली कि जाना चाहिए, तो इस तरह से लोग अब घरों की तरफ भी जा रहे हैं। एक पलायन ये हुआ, कुछ हमारी भी गलती है, जनप्रतिनिधि हमारे, हम लड़ते ऊपर से हैं, हमारे एक एक मकान नीचे भी हैं, बच्चे यहीं पढ़ते हैं, ऊपर हम भेजते नहीं हैं, कहीं कहीं हमारी गलतियां भी हैं। एक पलायन ये है कि कनेक्टिविटी जैसे ही पहुंच रही है लोग रोजगार के तलाश में चले जा रहे हैं क्योंकि रोजगार तो है नहीं, तो इसके लिए हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप करना पड़ेगा जिससे वहां चिकित्सा मिले, शिक्षा मिले, कनेक्टिविटी मिले। अगर ये चीजें मिल जाती हैं, ये तो पिछली सरकारें भी कह रही थी ना अजय भट्ट जी, ये सरकार क्या कर रही है, लेकिन कब लेकिन, वो डेवलप लेकिन, होगा? लेकिन इसके लिए प्रयास सॉलिड नहीं हुए ना पिछली सरकार में, आपस में आप कह तो रही थी अभी लोग भाग के चले गए, जब आपके घर से लोग भाग के जा रहे हैं आप ब्लेम दूसरे पर लगा रहे हो, आप अकेला चलो थे, पूछते ही नहीं थे किसी को नहीं पूछते थे, जब आदमी गद्दी पर बैठता है ना वो समझता नहीं है।
अति हो गई थी तो इति होती है, अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रकट चंदन से होई, तो जब बहुत ज्यादा अति हो गई तो उसकी इति भी हुई, आपके लोगों ने आपको नीचे कर दिया। और हम लोगों को देखिएगा, आज हमारी बहनें प्रसाद में 2.5-3 करोड़ रुपए कमा रही हैं, बद्रीनाथ में प्रसाद लोकल जो उत्पाद है उस पर बनाना चालू कर दिया, केदारनाथ जी पर प्रसाद हो गया है, और इसी तरह से अन्य टेम्पल्स जितने भी हैं वहां पर प्रसाद की योजनाएं लागू कर रहे हैं। कौन कर रही हैं? हमारी बहनें। कौन बहनें? वहीं की बहनें। तुलसी की माला ला रही हैं, जो चौलाई को फेंक देते थे लोग, आज वो वहां का प्रसाद बन के आ रहा है। इस तरह से हमारे ये प्रयास हैं, जो महिला समूह है उनको 5-5 लाख रुपए हम दे रहे हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े होइए। बेरोजगारों को हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दे रहे हैं कि अपने पैरों पर खड़ा हो, नौकरी के लिए मत जाओ भाई, एक स्टेज तक नौकरी रहेगी। अगर माना जिस दिन टीचर से सब भर गए फिर कहां जाएंगे? इसलिए कुछ ऐसे काम करो, अपने उस पर पैरों पर खड़े हो, नौकरी देने वाले बनो। ये हम प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को, और बहुत लोग आगे तक जा रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जब बैठे थे हरीश चावला साहब, मैं उनको सुन रही थी, उनका ये कहना था कि ये सरकार जब कुछ करती है अच्छा तो वो तारीफ भी करते हैं और समय समय पर करते हैं, हम भी खबरें दिखाते हैं। उनका ये कहना है कि ये सरकार हमारी कुछ योजनाओं को अडॉप्ट भी करती है और अडॉप्ट करने में डरती भी है, ऐसा क्यों है? देखिए, अगर कोई अच्छी बात हुई होती तो अडॉप्ट हमारे लोगों ने किया होगा, लेकिन अच्छी बातें हुई कहां, मुझे तो बताओ। संस्कृति के बारे में आपने एक शब्द कहा कि हमको जेल भेजने की जरूरत हो रही, जो व्यक्ति खुद ही इतना काम कर रहा था जेल गए। भैया, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय हरीश रावत जी को जेल भेजना चाह रहे हैं। कहीं से कहीं हमारा हाथ नहीं है, न हमको रुचि है। हम चाहते हैं प्रभु हरीश रावत जी के खिलाफ FIR ना हो, बच जाए वो। हमने तो कोई किया ही नहीं, महामहिम राज्यपाल जी ने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट करी, और रिपोर्ट करने के बाद यानी कि CBI इंक्वायरी को उन्होंने संस्तुति दी। संस्तुति देने के बाद CBI इंक्वायरी प्रारंभ हुई, और जब उनकी गवर्नमेंट दोबारा लौट के आई राष्ट्रपति शासन में, अपनी ही गवर्नमेंट में अपने खिलाफ जो केस था आपने उसको खत्म करा दिया, और माननीय न्यायालय ने कहा आपको ये अधिकार नहीं है। इसलिए सारा काम तो माननीय न्यायालय के अंदर हो रहा है। हम कहां से आए? भारतीय जनता पार्टी कहां से आई? हम तो कहीं से कहीं तक आए नहीं। अब आप जो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वैसा कर दिया, मुझे फंसाना चाह रहे हैं, मुझे गिराना चाह रहे हैं, तो हमारा कहीं से कहीं कोई इंटेंशन नहीं है, ना हमारे अंदर कहीं कोई लालसा है, और ना हम ऐसे विद्वेष की भावना से काम करते हैं, ना हमारी सरकार ना सरकार के नुमाइंदे। अब खुद ही फंसे हैं तो हम क्या करें? अब आपने क्यों हुआ, मैं आपको ये भी बता देता हूं नैतिकता क्या होती है। आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार मेरी सरकार बचा दो, 5-5 करोड़ रुपए मैं हर विधायक को दे दूंगा, और मंत्रियों की तरफ से मैं मुख फेर लूंगा, 40-50 करोड़ रुपए जो मंत्री कमाना चाहे वो कमा लें। मैं आपसे पूछता हूं, ये देवभूमि है, देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री के मुख से ये शब्द क्या अच्छे लगते हैं जो आप कह रहे हैं? चिट भी मेरी पट भी मेरी, बातों की लफाजी में अगर हम ऐसी बात कह के दूसरों को बदनाम करना चाहें तो मैं कहता हूं ये अच्छी बात नहीं है। हमने कभी किसी के खिलाफ नहीं सोचा है कि उसका अहित हो, क्योंकि भारी सावत जी हमारे भाई हैं। हमको कष्ट हुआ कि हमारा मुख्यमंत्री, आखिर उनके मुख से ऐसी बात क्यों आई? देवभूमि की कितनी बड़ी बदनामी हुई। इसी पॉइंट को लेके आपने वहां पर सीधे सीधे जो राज्यपाल महोदय ने है उन्होंने संज्ञान ले लिया, उसमें भाजपा कहां आ गई? खैर अजय जी, इस पर तो अगर चर्चा करने बैठे तो शायद शाम हो जाएगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं, उनके अपने अलग तर्क हैं। उत्तर देना पड़ेगा हमको ना, आपके अलग तर्क हैं, और इन तर्कों पर अगर हम जाएंगे तो वाकई में शाम हो जाएगी। लेकिन मुद्दा जो हम उठा रहे हैं वो पलायन का मुद्दा है, और इसी पर मैं चाहूंगी कि आप जवाब भी दें। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी अजय जी, जो 2018 में सामने आई थी, पलायन आयोग की रिपोर्ट थी, उसमें सबसे ज्यादा पलायन की जो बात थी वो पौड़ी और अल्मोड़ा से थी, कैसे रोकेंगे? देखिए, बहुत दुखद है कि पलायन का प्रतिशत जब से हम अलग हुए हैं तब से बढ़ा है, और 1000 से भी ज्यादा गांव आज गैर आबाद हो गए हैं। जिन गांवों में पहले किलकारियां पड़ती थी, बच्चों की, माताओं बहनों की हंसी ठिठोलियां हुआ करती थी, होली के छम्माके लगते थे, वो गांव खाली हो गए, वहां बंदर बिच्छू सांप किलकारी मार रहे हैं। हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा इसमें सजेशन दिया है कि रिवर्स पलायन, कि आप लौट के आइए घरों को, लोग लौट भी रहे हैं।
या तो हमको आप ये जगह दे दो लीज पर, हम आपको पेमेंट करेंगे, या आप खुद आओ, हम आपको पैसा देते हैं, आप इनको आबाद करो। तो इस तरह से ये प्रयास किया हमारी सरकार ने, आज तक प्रयास नहीं हुआ है। होम स्टे का है और कई चीजें और हैं, लोगों को वहीं के उत्पाद बना के वहीं बेचने का है, उनको सरकार खुद खरीदेगी, उनका समर्थन मूल्य देने का है, जैसे माल्टा है, संतरा है, और वहां की चीजों को वहीं पर प्रमोट करके उनको बाहर तक ले जाने का है। ये हमारी सरकार कर रही है बेहतर। अभी तो 2-2.5 साल ही हमारी सरकार को यहाँ पर हुआ है, और पिछली बार भी जब हमारी सरकारें थी उन्होंने भी इस ओर बहुत ध्यान दिया। यहाँ का दुर्भाग्य यह है कि पूरी तरह से सरकारों को अच्छी तरह से काम नहीं करने दिया जाता है। जैसे ही कोई सरकार अच्छा काम करती है पैर खींचना प्रारंभ हो जाता है। ये हमारी नियति में है, इस ओर हमें कष्ट है। अभी हिमाचल के बारे में बात आई थी, नहीं, कौन पैर खींचता है? आप किसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि पैर खींचना शुरू कर देता है? कौन, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ ना, इत्तेफाक है, आप देख लीजिएगा, हमेशा कांग्रेस ने ही किया। अब आप बताइए, हमने राज्य बनाया इतना बड़ा, और राज्य तब बनाया जब अटल जी से उनके एलाइज ने कह दिया था हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे अगर आपने उत्तराखंड राज्य बनाया। उन्होंने कहा मैंने वहां की माताओं बहनों का कष्ट देखा है और इसलिए हम उनको राज्य देंगे, चाहे आप हमसे समर्थन वापस ले लो। ये अटल जी ने कहा, और जैसे ही चुनाव हुआ, मैं आपको बताता हूं, इतना बड़ा काम किया था, एक ही पॉइंट पर जीतना था, तो कांग्रेस के मेरे मित्रों ने कहना चालू कर दिया, खत्म हो गया, खत्म कर दिया, उजाड़ दिया, कुछ नहीं किया, इस तरह की झूठ और फरेब बोली कि 9 महीने हमको काम करने का वक्त बना जब नया राज्य था, मैं भी हेल्थ मिनिस्टर था उसमें और कई मिनिस्ट्री मेरे पास भी थी। इतना झूठ बोला कि हमारी सत्ता चली गई। तो ये हमारी तरफ से तो हमने कभी नहीं, लेकिन अगर नहीं काम किया तो जनता को दिखता है। हमने तो तथ्यों के साथ पर कहा, झूठ देखिए कब तक चलेगा। अगर आपने काम किया है तो जनता को दिखेगा और वो काम बोलेगा। उस समय तो काम करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम केंद्र से आए थे, 4000 करोड़ रुपए कर्जा था, पेंशन के लिए पैसा नहीं था, आज आया है पेंशन के लिए पैसा। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, 3000 करोड़ रुपए लड़ाई के बाद आज आया है। अभी जो मेरे भाई साहब गए, उन्होंने तो प्रयास ही नहीं किया कभी, बंटवारे का प्रयास वो हम आज कर रहे हैं, इजीली हमको आप बंटवारा हो रहा है। हमारे जमाने में, औरों के जमाने में कभी बंटवारा ही नहीं हुआ। उस समय तो तनख्वाह देने को पैसा नहीं था हमारे पास, हम तो अपने पैरों पर कर्जा लेके आए थे, यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा हो रहे थे। तो उस समय इतना बदनाम किया। वक्त की कमी है मेरे पास, मुझे चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन पलायन एक बड़ा मुद्दा है, और जैसा आपने कहा कि सरकार काम कर रही है, अगर उसी दिशा में काम हो रहे हैं तो जल्दी ये समस्या दूर हो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।